नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम तीन स्टॉक्स को रेकमेंड करेंगे जिन्हें हमने हमारे इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में भी रेकमेंड किया है, जिसे आप कल पढ़ सकते हैं। इन तीनों स्टॉक्स में से दो स्टॉक्स पर हमारी बाय रेकमेंडेशन रहेगी और एक स्टॉक पर हमने सेल रेकमेंडेशन दी है। तो पहले आते हैं बाय रेकमेंडेशन की ओर। पहला स्टॉक जो हमने बाय रेकमेंड किया है वो है चंबल फर्टिलाइजर। आज के ट्रेडिंग सेशन में चंबल फर्टिलाइजर ने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया है और अगर आप इस स्टॉक की एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम देखें तो जो डील साइज है वो पिछले एक महीने की एवरेज डील साइज से काफी ज्यादा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक में इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है। हमें लग रहा है कि यह स्टॉक आने वाले दिनों में 325 के लेवल्स भी छू सकता है, इसलिए एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 310 हम इसे बाय रिकमेंड करते हैं फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 325 एंड अ स्टॉप लॉस प्राइस ऑफ 295। सेकेंड स्टॉक जिस पर हमने बाय रिकमेंडेशन दी है वो है डीसीबी। डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बैंक ने राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दिया है पिछले हफ्ते। यह स्टॉक आने वाले दिनों में 118 के लेवल भी छू सकता है, इसलिए यह स्टॉक को एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 112 हम बाय रिकमेंड करते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 108 एंड द टारगेट प्राइस ऑफ 118। थर्ड स्टॉक जो हमने दिया है वो है सेल ऑन इंडिगो। इंडिगो फ्यूचर्स अगर आप ट्रैक करें तो कॉन्टिन्यूसली सिंस द लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन इंडिगो फ्यूचर्स ने फ्रेश शॉर्ट एडिशंस की है। अगर आप कैंडलस्टिक को देखें तो इंडिगो में पिछले हफ्ते दो या तीन ऐसी कैंडलस्टिक्स बनी हैं जो बैरिश इंडिकेशन दे रही हैं, और अगर आप पुट कॉल रेशियो को भी ट्रैक करें तो वो भी बैरिश के फेवर में ही जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां हमें 1800 की स्ट्राइक प्राइस पर काफी कॉल राइटिंग दिख रही है और 1700 की पुट्स में पुट अनवाइंडिंग की, शॉर्ट पोजीशंस की पुट अनवाइंडिंग दिख रही है। तो हमें लगता है कि इंडिगो 1700 के लेवल्स भी छू सकता है बाय एंड ऑफ दिस जून सीरीज, हेंस हमने इंडिगो पर सेल रिकमेंडेशन दी है फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 1700 एंड स्टॉप लॉस प्राइस ऑफ 1775। थैंक्स अ लॉट।